ओबिंग्या। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इस शो के बारे में जितना बोलो कम है और जितना ना बोलो तो भी ठीक है, क्योंकि वाइल वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट व्हाट टू से अबाउट दिस शो, कोलिगो माइंड सेड समथिंग वेरी नाइस दैट यू कैन यू नो से दैट दिस शो इज अबाउट एवरीथिंग, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेट इट्स अबाउट नथिंग, क्योंकि ये एक जिंदगी की कहानी है, ये प्रतिभा की जिंदगी की कहानी है और हमारे आसपास सैकड़ों प्रतिभाएं हैं, वो आपकी बीवी में है, वो आपकी माँ में है, वो आपकी बुआ दादी चाची, वो हर उस औरत में है जो घर संसार चला रही है, घर संभाल रही है, यू नो बच्चों को बड़ा कर रही है, पति को संभाल रही है, सास के नखरे संभाल रही है। पर ये कहानी सिर्फ उसकी उन लोगों के साथ रिश्ते की कहानी नहीं है। And we have done 4 shows with Zee, Reet, Dulhan, Sapne Suhane, and now this show, Hello Pratibha. And I'm really thankful to Zee क्योंकि हर शो के साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है and Zee has been very supportive with you know whatever we have come up with. ये शो इसलिए बहुत स्पेशल है जैसे कि नमित ने कहा कि इस शो में देखा जाए तो कुछ नहीं है और बहुत कुछ है. It's not a feminist show. It is going to be said in a very entertaining way. हमने narrative के साथ एक experiment भी किया है. और you know through the show what we are trying to say to all the women, be working women or you know housewives or whoever they are, and the show is going to appeal to all strata. It's not specific to a middle class or wherever. You know what happens is that how we are conditioned is कि शादी के बाद अपने आप को आपको लगता है home कर देना चाहिए. You know martyrdom बहुत हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि औरत होम हो जाए, अपनी आइडेंटिटी ना रहे. बट इज दिस द ओनली वे टू लीड अ लाइफ? इज देयर अ लाइफ व्हिच वेयर यू कैन हैव योर ओन आइडेंटिटी, वेयर यू कैन लीड मोर फुलफिलिंग लाइफ फॉर योर सेल्फ? विदाउट हिम यू नो द शो वोंट हैव लुक लाइक दिस. ओके, नाउ आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस आवर कास्ट. सचल त्यागी हु इज प्लेइंग महेंद्र, कैन यू प्लीज कम? Sachal, we wanted someone who can look like a middle class man, who can look strict but who can also look like a hero, and so it was a tough you know we couldn't find the right casting, and actually hame bahut time laga. Finally we zeroed on Sachal Tyagi and he has done a very good job. Snigdha Pandey, who's playing Sunidhi, an entertaining sister-in-law. Tarul, who's playing Sunidhi, Snigdha's husband, who's playing Mahen's younger brother, Sanjeev. Good evening, everybody. Kashi, and I'm sure you're going to love her character. She's got the best lines in the show and she's very, very entertaining. Sangeeta Pamwar. And of course, Pratibha. For Pratibha, we wanted a face like you can see, who has innocence, but we didn't want to present Pratibha as a victim. We wanted a pleasant, you know, a person with whom you can relate to. And we finally found that casting in Bini. So Bini, if you can come up on the stage, please. So this is our cast for Hello Pratibha. If you want to ask any questions or whatever. थैंक यू नीलिमा जी. मैं अपने कास्ट से अनुरोध करूंगी कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं और आपने ये रोल क्यों लिया. हम स्टार्ट करेंगे बिन्नी से. हेलो एवरीवन. सबसे पहले मैं कुछ भी कहूं उससे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स और जी को थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने प्रतिभा जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग किरदार के लिए मुझे चुना. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू देम फॉर दिस थिंग. एंड अगर आप मुझसे प्रतिभा के बारे में पूछें तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि प्रतिभा एक वो लड़की है जो आज हिंदुस्तान के हर घर में पाई जाती है. वो मेरी मम्मी में भी है, वो मेरी सिस्टर में भी है, वो मेरी दादी में भी थी, शायद कल वो मुझ में भी होगी जब मैं शादी करके एक दूसरे घर में जाऊंगी. सो इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ अ लेडी जो अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते उनकी छोटी से बड़ी खुशियाँ उनका ध्यान रखते हुए शायद अपने आप को कहीं भूल गई है. सो शी इज बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कवर हर सेल्फ एंड
आई थिंक दैट्स प्रतिभा. थैंक यू सो मच. सचल त्यागी जो महेंद्र का किरदार निभा रहे हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये जो किरदार मुझे मिला महीन अग्रवाल, ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक सुलझा हुआ समझदार और जहीन किरदार है, और ऐसा किरदार मैं बहुत जमाने से करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जिस किरदार से मैं जाना गया माना गया वो था रणविजय अगले जन्म का, और वो ऐसा विलेन था जिसमें मैं विलेन की हर साइड हर तरीके से झोंक चुका था, और हर कोई मुझे कंसिडर कर रहा था कि यार सजल त्यागी विलेन. तो मैं प्रार्थना करता था और मैनिफेस्ट करने के लिए वाइब्रेशंस देता रहता था कि भगवान कोई मुझे मेरी एक्टिंग के टैलेंट को सराहे माने. तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जी का तहे दिल से कि मेरी वो वाइब्रेशंस सबसे पहले जी तक पहुँची, और उसके बाद शाकुंतलम टेलीफिल्म्स. इनफैक्ट मैं जब मैं इस रोल के लिए बुलाया गया और फाइनल किया गया तो मैं इतना खुश था कि मैं वो देख रहा था कि ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है या फिर ये रियल में हो रहा है, क्योंकि मैं तंग आ गया था कि यार विलेन. आई वॉन्टेड टू डू अ पॉजिटिव रोल. तो वो जब ये मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तहे दिल से ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है. नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा सपना था पॉजिटिव रोल करने का, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे महीन और प्रतिभाएं देखी हैं, बहुत पास से देखी हैं, रिश्तेदारों में देखी हैं, और वो नेगेटिव नहीं होते, कुछ गलत नहीं होते, लेकिन समझदार लोग होते हैं, अच्छे से लोग होते हैं, रेगुलर लोग होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में और रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इतने मसरूफ हो जाते हैं कि प्यार और रिश्तों के जो न्यूएंसेस हैं वो एक बैक स्टेज ले लेते हैं और पीछे से रह जाते हैं. तो उस चीज़ को, उस शेल से कैसे निकला जाए, उस चीज़ को कैसे तोड़ा जाए, और बजाय किसी नेगेटिविटी को दिखाए हुए, तो वो इसमें मुझे करने का जो मौका मिल रहा है वो बहुत अच्छा है. और बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या इंग्लिश विंग्लिश से इंस्पायर्ड है, फलाना है धमाका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिभा को मुझे और परिवार में सबको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो ये डेफिनेटली दिस इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश विंग्लिश. हाँ, मेरी माँ का थोड़ा हाथ तंग है तो वो वाली बात है. तो बहुत अच्छा शो है, स्वीट सा है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा पहले देखा नहीं होगा या बहुत यूनिक है या सबसे पहले घटित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेश है, अच्छा है, स्वीट है. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो रणविजय करने में मज़ा आया और लोगों ने सराहा, तो इस अब मुझे थोड़ा सा वो पैरामीटर शिफ्ट हो और अब मुझे लोग महीन से जाने और महीन से प्यार करें. मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, और मेरा ये बहुत प्रतिभा के साथ काम करके और सारी कास्ट के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लिखा गया है. हैट्स ऑफ टू राज एंड नीलिमा एंड कमल पांडे जी जो ये लिख रहे हैं, बहुत मजेदार लिखा गया है और बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है. होपफुली यू ऑल वुड लव इट. थैंक यू सचल. स्निग्धा पांडे एज सुनिधि. गुड इवनिंग एवरीवन. ये मेरा जी से के साथ दूसरा एसोसिएशन है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू जी फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस रोल एंड गिविंग दिस रोल टू मी. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव माई थैंक्स टू नीलिमा मैम, श्यामाशीष सर, शकुंतलम टेलीफिल्म्स. मैंने ये रोल इसलिए चुना क्योंकि इसके पहले मैं बहुत ही एक सीधी सादी और सरल लड़की का रोल निभा चुकी थी, और मुझे हमेशा से थोड़ा विलन के प्रति मेरा रुझान रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, और थोड़ा लार्जर देन लाइफ और ग्रे शेड्स जो हमारे सब में ही होते हैं, वो मुझे उनको निकालने में बहुत मज़ा आ रहा है. और जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लिखी है नमित ने और कमल पांडे जी ने भी, और आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी. और ये हम लोगों के सबकी लाइफ में ऐसे किरदार हैं जो हमारे किरदार हैं हमारे स्टोरी के, वो लाइफ से ही सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंस्पायर्ड हैं, एंड दिस इज़ अ स्टोरी विद अ फ्रेश नैरेटिव. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल विल एंजॉय इट. थैंक यू सुनिधि. तरुल जो संजीव का